पश्चिमी चंपारण जिले के अधिकतर गांव में देखा जाता है कि काम करने वाले पुरुषों मजदूरों की अपेक्षा महिला मजदूरों को बहुत कम मजदूर दिया जाता है, जबकि दोनों का काम का समय घंटा एक समान है। फिर मजदूरी में यह असमानता क्यों? 75 रुपये लोग मात्र मिलते थे। हाँ हाँ बाबू, 75 रुपये में लोग काम चल जाना। दिन भर घर रही तो पति नहीं वो सोच के जो क्यों दी 5 रुपया मजबूरी मजबूरी का कहला मजबूरी तो कारो लोग मरो से काम कम कर लो के ज्यादा कर उदाहरण जाना मरो जानी दोनों आदमी ने कर ला लो। हां तो जैसे कि लेडीज कम कर ला जेंट्स ज्यादा कर ला काम ना कभी कभी मजदूर अपनी मजदूरी बढ़ाने के लिए गलती से बात रख भी देते हैं, तो काम करने वाले उन मजदूरों को मना कर दूसरे गांव से मजदूर बुलाकर काम करा लेते हैं। फिर लोग बढ़ाने के प्रयास जैसे सब मजदूर मिलकर ना करने लगे। एक बात ये नहीं कुछ अब हमने के ठान रहे तो तोहरा गांव के हुनका गांव के हुनका गांव के जाना है आई बेसी मजदूरी बढ़ा उतने पर कमाई आ हमने के छूट दे जब मतलब जब मजदूरी बढ़ाए कर लोग तब ऐसा ही कर लोग छोड़ो दूसरे हां तो इतने पर जाना का तो लोग मजदूरी बढ़ाओ के सरकार से का अपेक्षा रखते हैं चाहता ना कि हम मजदूरी बढ़ाए। आई हो दादा तो हमने के ना चाहल जाई आई गांव के मादो पंचायत के बाबा बाद देखो तीनों तरकारी के 7-8 महीने से बंद हो गई बा गरीब आदमी के मिल ल पेंशन 7-8 महीने तक के मिल। मैं भी इसी क्षेत्र की एक गरीब महिला हूँ। मेरे परिवार के लोग भी अपनी खेती करने के बाद अन्य किसानों के यहाँ काम करने जाते हैं, जिस दौरान मेरी सास को भी महिला होने के नाते उन्हें भी पुरुष मजदूरों की अपेक्षा उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलता है। मैं चाहती हूँ कि इन महिला मजदूरों को भी पुरुष मजदूरों की तरह समान मजदूरी मिले, जिसके लिए मैं प्रखंड गवनाहा के सरपंच अध्यक्ष शंभू प्रसाद यादव से बात करने जा रही हूँ, जिस लड़ाई का हिस्सा आप भी बने, जिसके लिए सरपंच अध्यक्ष का मोबाइल नंबर है 96-61-10-72-97। इस नंबर पर कॉल करके दबाव बनाएं। मैं तंजू पश्चिम चंपारण बिहार से इंडिया अनहर्ड के लिए।